फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फन विद निकिता। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट मूव कमांड, एफसी कमांड एंड लास्ट एट्रिब कमांड। सो गाइस, इसका ऑलरेडी थियोरेटिकल वाला वीडियो अपलोडेड है, तो प्लीज़ आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइडेड है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। चलिए अच्छा क्लास स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मूव कमांड। ओके, सो मूव कमांड का यूज़ क्या था गाइस? होप सो आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोग थ्योरी वाला वीडियो देखे होंगे तो। गाइस, मूव कमांड का यूज़ होता है किसी भी फाइल या फिर डायरेक्टरी को किसी और ड्राइव में मूव करना, यानी कि अगर सी ड्राइव में कोई फाइल या फिर डायरेक्टरी है तो हम उस डायरेक्टरी को किसी और ड्राइव, यानी कि डी ई एफ जो भी ड्राइव हो आपके पास, उस पर आप मूव कर सकते हो। सो लेट्स सी। लेकिन गाइस, आपको पता होगा अगर आप मेरे पहले प्रैक्टिकल वीडियोस देखे होंगे तो, मेरे लैपटॉप में सिर्फ एक ही ड्राइव है जो कि सी ड्राइव है, उसी में मैं वर्क करती हूँ। सो कोई भी अगर और ड्राइव में चेंज करने वाला कोई कमांड रहता है तो मैं उसे आप लोग को प्रैक्टिकली नहीं बता पाती हूँ, लेकिन हाँ उसके स्टेप्स ज़रूर आप लोग को क्लियर करवा देती हूँ कि आपको क्या टाइप करना होगा। ठीक है, सो इसमें भी मैं वही करने वाले हूँ, बिकॉज ये मूव कमांड का यूज़ होता है किसी और ड्राइव में कॉपी करने के लिए, मूव करने के लिए। दैट्स वाई मैं बस लिख करके बता सकती हूँ, एंड एंटर करूँगी तो कुछ और ही मैसेज आएगा। सो प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को रिमेंबर रखना, आप लोग ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए पहले तो हम DIR कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सो अगर हम जैसे DIR करेंगे तो किसी भी फाइल या फिर किसी डायरेक्टरी को अगर हम मूव करना चाहें, लाइक हम चाहते हैं कॉलेज को मूव करना है, ठीक है, तो करना क्या होगा? अगर सिंपल आपको मूव टाइप करना है, इन स्पेस देना है, एंड टाइप करना है कॉलेज, फिर स्पेस देना है जिस ड्राइव में आपको को मूव करना है इसको, बस उस ड्राइव का नेम एंड जस्ट एंटर। बट मेरे मैसेज शो कर रहा है दिस डिवाइस इज नॉट रेडी बिकॉज मेरे लैपटॉप में और कोई ड्राइव नहीं है, इसलिए ये मैसेज शो कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग करोगे इसे प्रैक्टिकली तो आपके पास अगर कोई और ड्राइव होगा तो ऑब्वियसली ये मैसेज आपको शो नहीं करेगा, कुछ और ही मैसेज शो करेगा। ठीक है, एंड अगर आपको चेक करना हो कि आपका सच में ये मूव हुआ भी है या नहीं, तो आप DIR करना, चेक कीजिएगा। यहाँ पर से आप चेक कर सकते हो कि आपका मूव हुआ है या नहीं। आपको इसमें शो कर देगा कि आपका वो डायरेक्टरी या फिर वो फाइल अब इस ड्राइव में तो नहीं है। सो जस्ट आप जिस ड्राइव में किए हो उसको मूव, बस उस ड्राइव को आपको चेंज कर देना है, आपका ये चेंज हो जाएगा, एंड देन उसके बाद आप उसका DIR चेक करना तो आपका आ जाएगा। ठीक है, जिससे आप कन्फर्म हो सकते हो कि आपका वो फाइल या फिर वो डायरेक्टरी मूव हुआ भी है या नहीं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट यूज ऑफ मूव कमांड। सो गाइस, होप सो आप लोग को याद होगा कि मूव कमांड का मैंने एक और यूज़ बताया था, और वो यूज़ ये है कि मूव कमांड का यूज़ करके हम किसी भी डायरेक्टरी का नेम चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए करते हैं इसका यूज़। मूव स्पेस अब एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी नेम, तो एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी नेम चलिए हमारा कॉलेज है तो कॉलेज ही ले लेते हैं। स्पेस, अब हम क्या न्यू नेम इसका देना चाहते हैं, सो रखते हैं इसका नेम एजुकेशन, एंड कर देना है इसे एंटर। बस एक DIR जो है हमारा मूव हो गया। अब हम लोग चेक कैसे करेंगे गाइस? यस, DIR करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कॉलेज शो कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर एजुकेशन शो कर रहा है। देखो आप लोग, यहाँ पर है कॉलेज एंड यहाँ पर आपका एजुकेशन अब आ गया, बिकॉज हम लोग चेंज कर दिए, दैट्स वाई इसका नेम चेंज हो गया। तो आप लोग किसी भी डायरेक्टरी का नेम अगर चेंज करना चाहते हो, लाइक आप किसी से हाइड करना चाहते हैं कि आप कोई इम्पॉर्टेंट डायरेक्टरी बना करके रखे हो और उसका नेम किसी और को पता चल गया है, लेकिन आप उसका नेम ही एकदम हट के रखना चाहते हो ताकि उसे शक ना हो, तो बस आप उसका नेम चेंज कर सकते हो जस्ट एज अ प्राइवेट, या फिर आप अपने मस्ती के लिए भी कर सकते हो। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज FC कमांड।
गाइस होप सो आप लोग को याद होगा कि एफ सी कमांड का यूज़ था किसी भी दो फाइल को हम लोग कंपेयर करते थे। सो यहाँ पर हम लोग अभी आपके सामने ही मैं कोई भी दो फाइल बनाऊंगी, तो चलिए बनाते हैं। हम लोग एडिट फाइल का भी, एडिट कमांड का भी यूज़ करके बना सकते हैं, या फिर हम कॉपी कॉन का भी यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, कैसे का भी अभी यूज़ करो बन जाएगा फाइल। तो चलिए एक हम लोग फाइल बना लेते हैं कॉपी कॉन के थ्रू पे और एक एडिट फाइल के थ्रू पे, जिससे कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, सो गाइस हमारा फर्स्ट फाइल हम बना लेते हैं पहले कॉपी कॉन का यूज़ से। सो टाइप करेंगे कॉपी स्पेस कॉन एंड हमारा जो फाइल का नेम हम देना चाहते हैं वो दे देते हैं abc.txt। एंटर किया हमने, अब इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक हम लिख रहे हैं ये हमने लिखा और अब कर देंगे कंट्रोल प्लस जेड एंड एंटर। एक फाइल बन गया हमारा और एक फाइल हम बनाते हैं एडिट कमांड के थ्रू पर। ठीक है, तो इसमें हम सेम चीज़ें पहले टाइप कर लेंगे AAA BBB। अब इसमें कुछ चेंजिंग लाते हैं, सो CCC इसमें लिख देते हैं। ठीक है, CCC हमने लिख दिया, अब ये हमारा हो गया इसमें चेंज। अब कर लेते हैं इसे हम सेव, टाइप करेंगे 123.txt और कर देंगे हम एंटर, तो हमारे ये बन गया एक न्यू फाइल। तो चलिए करते हैं अब एग्जिट, एग्जिट किया हमने। सो अब करते हैं हम इसे कंपेयर, तो पहले कर लेते हैं अपने स्क्रीन का थोड़ा स्क्रॉल अप। ओके, सो अब हम कंपेयर करेंगे fc space abc.txt space 123.txt। गाइज हो सकता है कैमरा थोड़ा ज़्यादा ही हिल रहा होगा, बिकॉज गाइज मैं लेफ्ट हैंड में कैमरे को पकड़ती हूँ और मैं बिकॉज फ़ोन से ही रिकॉर्ड करती हूँ ना, इसलिए फ़ोन को मैं अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ती हूँ, राइट हैंड से मैं टाइपिंग करती हूँ। सो हो सकता है कैमरा थोड़ा ज़्यादा हिल रहा होगा, बट प्लीज़ आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। ओके गाइज, सो आप देख सकते हो हमने इसे कंपेयर किया, तो इसका जो हमारा कॉमन चीज़ था AAA BBB वो ये साइड कर दिया, और इसमें क्या डिफरेंट है तो ये CCC ये डिफरेंट था। तो ये हमारा कंपेयर करके बता दिया कि आपके इन दोनों फाइल में क्या डिफरेंस था। ठीक है, सो गाइज यही है इस FC कमांड का यूज़। ये बहुत ही सिंपल सा था और बहुत ही यूज़फुल भी है गाइज। कोई भी आप दो फाइल बना लो, अगर कुछ सेम है और उसमें कुछ छोटी सी चीज़ें भी अगर डिफरेंट है ना, तो वो डिफरेंस क्या है वो फाइंड करने के लिए आप FC कमांड का यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमांड पे, एट्रिब कमांड। ठीक है गाइज, एट्रिब कमांड के लिए पहले हम किसी भी फाइल के लिए सर्च कर लेते हैं, लाइक DIR करते हैं। अब हमें कौन सी फाइल को हाइड, मतलब रीड के लिए बस रखना है, जिसमें कोई भी कोई चेंजेस ना ला सके, ना ही उसे कोई डिलीट कर सके। सो चलिए अभी जो हमने फाइल बनाया है वो सेव कर लेते हैं। ठीक है, सो गाइस उसके लिए हमें टाइप करना होगा एट्रिब, स्पेस देना होगा एंड देन लिखना होगा +R स्पेस जो हमारा फाइल का नेम है abc.txt एंड देन एंटर। गाइस डन। अब अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप देखो यहाँ पर दिया है कि हमने चेक किया, ये हमारा फाइल है। ठीक है, abc.txt। अब देखिए इसे करते हैं हम डेल का यूज़। ठीक है, abc.txt लुक एक्सेस इज डिनाइड। ये मैसेज मैंने आप लोगों को थ्योरी वाले में भी बताया था कि यही मैसेज आप लोगों को शो करेगा, बिलीव नहीं होता। चलिए अब देखते हैं ये डिलीट भी हुआ या नहीं, चलिए देखते हैं DIR। गाइज हमारा फाइल जैसा का वैसा ही है, बिकॉज इसे हमने सिक्योर कर लिया, सिर्फ रीड करने के लिए है, ना ही कोई इसे डिलीट कर सकता है, ना ही इसमें कोई चेंजेस ला सकता है। चलिए डेल का यूज़ करके तो हमने देख लिया कि कोई डिलीट नहीं कर सकता है, अब एडिट का यूज़ करके देखते हैं कि इसमें कोई चेंजेस ला सकता है या नहीं। सो टाइप करते हैं एडिट एंड कर दिया हमने एंटर और करते हैं अपने फाइल को ओपन abc.txt। ये हमने टाइप किया और जस्ट एंटर कर देंगे। ठीक है गाइज, आप देख सकते हो कि आपका कर्सर सिर्फ फर्स्ट में शो कर रहा है। अब यहाँ कुछ टाइप करके देखो, देखो क्या शो कर रहा है। यू कैन नॉट मॉडिफाई योर
रीड ओनली फाइल। आप इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसमें कोई भी आप चेंजेस नहीं ला सकते। लुक, मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ, कर रही हूँ ना, कोई चेंजेस आया नहीं ना, बिकॉज ये सिक्योर हो चुका है। अब देखा ना आपने कितना मज़ेदार था। अब आप चाहते हो कि इसमें कोई चेंजेस भी आ सके और कोई इसे डिलीट भी कर सके। सो उसके लिए करते हैं पहले इसे हम एग्जिट, ये गए हम और किया हमने एग्जिट, ठीक है। सो गाइस उसके लिए आपको टाइप करना होगा एट्रिप एंड देन आपको टाइप करना होगा माइनस फिर आर फिर आपका जो फाइल है abc.txt, ठीक है। एंटर किया हमने, पहले हम एडिट का चेक कर लेते हैं उसके बाद हम डेल का चेक करेंगे, ठीक है। एडिट, अपने फाइल को पहले ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप लोग को सिंपली शो हो रहा होगा abc.txt, क्या हमने एंटर किया। अब आप देख सकते हो गाइज हम इसमें कुछ भी टाइप करेंगे तो ये ले लेगा, बिकॉज अब हम इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि अब ये अनरीड बन चुका है। वो रीड ओनली वाला कमांड था, ये अनरीड वाला कमांड है। सो चलिए इसको हटा लेते हैं, ठीक है। तो इसे कर लेते हैं एग्जिट। अब करते हैं गाइस डेल का यूज़। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आपको abc.txt दिख रहा होगा, है ना, और यहाँ पर आपका फाइल है टोटल 8। अब मैं डेल जैसे ही यूज़ करूँगी तो ये 87 हो जाएगा। लेट सी डिलीट होता है या नहीं। ये डिलीट हो गया, चेक करते हैं। लुक 7 फाइल और abc.txt हो गया डिलीट। लुक, है ना, कितना मज़ेदार सा कमांड था गाइज। चलिए अब हाइड वाला कमांड कर लेते हैं एक बार। हाइड के लिए भी कुछ वैसे ही था गाइज एट्रिप। चलिए अब तो हमारा वो फाइल तो गया, तो अब करते हैं अपने 123.txt वाले फाइल से, ठीक है। सो उसके लिए टाइप करना है हमें एट्रिप स्पेस प्लस एच एंड देन करना है हमारे फाइल का नेम टाइप 123.txt और किया हमने एंटर, ठीक है। अब गाइस बिना डिलीट किए हुए ही यहाँ जो 7 फाइल्स आपको शो हो रहा है ना, ये 7 अब 6 में बदलने वाला है। लुक, और 123.txt भी गायब हो गया, है ना। सो बन गया ये 6 फाइल। अब कोई जान भी नहीं सकता कि आपका वो फाइल है भी या नहीं। यस, कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा वो फाइल है भी या नहीं, वो हाइड हो गया। सो अगर अनहाइड करना हो तो ऑब्वियसली अब तो आप गेस कर सकते हो आपको क्या कमांड देना होगा। यस, माइनस एच एट्रिप स्पेस माइनस एच स्पेस अपना फाइल का नेम 123.txt एंड कर दिया हमने एंटर और करते हैं dir, तो आ गया हमारा 123.txt फिर से और ये बन गया 7 फाइल। सो गाइस हमने ये प्लस आर माइनस आर प्लस एच माइनस एच ये चारों कमांड के बारे में हमने पढ़ लिया। सो अब हम दोनों ही कमांड को एक साथ कंबाइन करके करेंगे, प्लस आर प्लस एच, देखते हैं क्या होता है। एट्रिब स्पेस प्लस एच स्पेस प्लस आर स्पेस हमारा फाइल का नेम 123.txt। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे ना, अब मैं आपको दिखाती हूँ बिना डिलीट किए हुए आपका फाइल गायब हो गया। देखो आप, है आपका फाइल 123.txt नहीं ना। अब आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, बिकॉज हमने यहाँ प्लस आर का भी यूज़ किया है तो आप इस पर चेंज भी नहीं कर सकते कुछ। देख सकते हो गाइज आप लोग, यहाँ पर भी वो फाइल शो नहीं कर रहा है 123.txt जो हमने अभी हाइड किया। सो चलिए हम इसे टाइप ही कर लेते हैं 123.txt और क्या हमने एंटर और देखो गाइज आप लोग इस पर अब हम लोग को चेंज भी नहीं कर सकते। देखिए आप कर्सर में यहाँ पर ला रही हूँ, लुक वही मैसेज शो कर रहे हैं ना, यू कैन नॉट मॉडिफाई योर रीड ओनली फाइल। सो गाइज है ना बिल्कुल मज़ेदार से ये कमांड, आप अपनी फाइल को हाइड भी कर लिए और अगर किसी को बाय मिस्टेक पता चल भी जाता है कि हाँ आपका फाइल का नेम क्या है तो भी वो बंदा आपके फाइल में कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकता, ना ही उसे कोई डिलीट कर सकता है। कितना मज़ेदार सा कमांड है।
सो करते हैं एक्सिट, आ गए अपने स्क्रीन पर। और अब हम करते हैं टाइप एट्रिप स्पेस माइनस एच स्पेस माइनस आर स्पेस 123.txt एंड एंटर। दैट्स इट। अब क्या BIR किया हमने, हमारा 123.txt आ गया। बेचारे को हमने गुम कर दिया था, अब वो आ भी गया। अब उसमें कुछ चेंजिंग मिला सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। गाइस, फाइल्स बनाने में इतना मज़ा आता है ना, आप एक बार एक फाइल बना करके देखना। आप ट्रस्ट में, मैं कह रही हूँ ना, आपको फाइल बनाने में इतना मज़ा आएगा कि आप बोलोगे यार एक फाइल तो मैं जब भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप ऑन करूँगी तो एक फाइल तो ज़रूरी बनाना है मेरे को। सच में ये इतना इंटरेस्टिंग है, कितना आप देख रहे हो ना, कितना ईजी तरीके से हम किसी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें कुछ भी चेंजिंग ला सकते हैं। आपको बहुत लोगों को शौक होता है ना कि डायरी में कुछ लिखना, कुछ भी जो मन करता है वो लिखते हैं, तो आप इसका यूज़ करके आप बिल्कुल एक फाइल आप बना रहे हो एक एक डेट के अकॉर्डिंग। एंड देन उसमें आप बना रहे हो कि आपको क्या, आज आपने क्या किया, आज आपको क्या करना चाहिए था और फिर भी आपने वो चीज़ नहीं किया, आपने क्या क्या किसके साथ टाइम स्पेंड किया, और ड्राइंग्स पेंटिंग जो भी आपकी हॉबी है आप कुछ भी लिख सकते हो। कोई एक फाइल बना लिया आपने, और फिर कभी आप लैपटॉप या फिर अपने पीसी ऑन कर रहे हो और उस वक्त आप देख सकते हो और वो उस मेमोरी को फिर से आप जी सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा है डिजिटल में अपना एक डायरी बनाना। ओके गाइस, आज की क्लास में तो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो के नीचे में एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्रेस करके एक घंटी आएगी, उसे भी ज़रूर बजाइए गाइस। ओके, एंड कमेंट बॉक्स में लिखकर के मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझसे पूछिए, नहीं पूछना उसमें कमेंट बॉक्स में। तो आप फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, दोनों का ही लिंक प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग उसे चेक ज़रूर कीजिएगा और मुझसे ज्वाइन ज़रूर जाइएगा। एंड गाइज, आप लोग मेरे DC कोर्स से कोई भी वीडियो मिस कर गए हो तो कोई बात नहीं, मैं उसका प्लेलिस्ट पूरा बना करके रखी हुई हूँ, तो आप लोग प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर ही चेक कर लीजिएगा, तो उस पर सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप सारे लिंक प्रोवाइडेड है, आप उसे एक बार चेक ज़रूर कर लेना। और एक इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए अपडेट, अगर आप लोग सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो और किसी किसी को सर्टिफिकेट चाहिए लेकिन उसके बारे में कुछ भी डिटेल में आप लोग को नहीं पता है, तो उसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर चुकी हूँ। उसका टाइटल होगा कुछ इम्पॉर्टेंट बातें कर लें, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिए गाइज। एकदम वीडियो भी मज़ेदार है और आप लोग को अच्छे से मैंने एक एक चीज़ें समझा दी है, तो अगर कोई भी डाउट हो सर्टिफिकेट से रिलेटेड तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके गाइस, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।